उजाला भरने का काम किया है और साथ में मोदी जी ने हर गारंटी को पूरा किया है। मुझे बताओ भाइयों बहनों, ये कश्मीर हमारा है या नहीं है? अरे जोर से बोलो, है या नहीं है? धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? हमने वादा किया था, मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को समाप्त कर कर रख दिया। और आज कश्मीर जिस लाल चौक में जाते हुए मिलिट्री के बगैर जा नहीं सकते थे, वहां तिरंगा फहर रहा है और वहां जन्माष्टमी भी मनाई जाती है। मुझे बताओ भाई और बहनों, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? 500 साल से रामलल्ला अपमानित अवस्था में थे। 70 साल से कांग्रेस पार्टी ने रामलल्ला को टेंट में रहने के लिए मजबूर किया, अटकाया, लटकाया, भटकाया, केस चलने नहीं दिया। मोदी जी के समय में केस भी समाप्त हुआ, भूमि पूजन भी हुआ और 22 जनवरी को रामलल्ला का प्राण प्रतिष्ठा भी। भाई और बहनों, मैं कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूं, अगर आप चाहते तो इतने समय में गारंटी पूरी हो सकती थी या नहीं हो सकती थी? उन्होंने नहीं किया। मित्रों बताओ मुझे, 3 तलाक दूर कर मुस्लिम माताओं बहनों को सम्मान देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? 3 तलाक जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? कांग्रेस पार्टी ने 3 तलाक को कभी नहीं हटाया। वो ओवैसी से डरते हैं, वो वोट बैंक से डरते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने 3 तलाक को समाप्त करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाई और बहनों, और मोदी जी ने देश को सुरक्षित करने का काम किया है। 10 साल तक कांग्रेस की सरकार थी, सोनिया मनमोहन की सरकार थी, पाकिस्तान से रोज आलिया मालिया जमालिया आते थे, बम धमाके करते थे और चले जाते थे, कोई कुछ नहीं बोलता था। मोदी जी के समय में भी 2 प्रयास हुए, उरी और पुलवामा में, मगर पाकिस्तान को मालूम नहीं था ये नरेंद्र मोदी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी। 10 ही दिन में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाइयों और बहनों, अभी हमने कहा था कि हम सीएए लाएंगे, जो हमारे बांग्लादेश और पाकिस्तान से हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन भाई बहन आए हैं, उनको नागरिकता देंगे। ये लोग विरोध करते हैं, मगर कल ही मोदी सरकार ने सीएए का वादा भी पूरा कर दिया। करोड़ों हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख जो आसपास के देशों से आए थे, अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, उनको नागरिकता देने का काम कल नरेंद्र मोदी जी ने समाप्त कर दिया। जो अपने महिलाओं के सम्मान के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपने गौरव की रक्षा के लिए भारत की शरण में आए थे, इनको एक कांग्रेस वाले मजलिस टीआरएस विरोध करते थे, नागरिकता नहीं देने देते थे। नरेंद्र मोदी जी ने इनको नागरिकता देकर उनको सम्मान के साथ जीने का उनका स्वप्न पूरा किया है। और एक गलत फहमियां फैला रहे, इस देश के अल्पसंख्यक भाइयों को कहना चाहता हूं, माताओं को कहना चाहता हूं, सीएए से किसी भी देश के नागरिक की नागरिकता जानी नहीं है। सीएए नागरिकता देने का कानून है, नागरिकता लेने का कानून नहीं है। ये ओवैसी भी झूठ बोल रहे हैं, खड़गे भी झूठ बोल रहे हैं, राहुल गांधी भी झूठ बोल रहे हैं कि इससे माइनॉरिटी की नागरिकता जाएगी। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि सीएए के कानून के अंदर किसी की नागरिकता लेने का कोई प्रावधान नहीं है, हमारे शरणार्थियों को नागरिकता देने का प्रावधान है, मगर ये लोग
वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। भाइयों और बहनों, मैं इतना ही कहना चाहता हूं, आने वाले